नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ Amazon का विंटर हॉल। अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों में सर्दियों के कपड़े जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, स्पेशली लेडीज को जिनको ज्यादा ठंड लगती है। मुझे तो ठंड बहुत ज्यादा लगती है और इसीलिए मैं ऐसे कपड़े देखती हूँ जो स्टाइलिश हों और उसके साथ साथ हम उसे कैरी कर सके। इसमें मैंने फुटवेयर भी इंक्लूड किया और थोड़ी बहुत स्टाइलिश आइटम्स भी इंक्लूड की हैं जिन्हें आप अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं और सर्दियों में ठंड से भी बच सकते हैं, अफोर्डेबल भी है और इसके साथ साथ आप कंफर्टेबल भी रह सकते हैं। तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए वीडियो में चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी आइटम मैंने मंगवाई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को भी दबा लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम में मिलती रहे और हम इस तरीके से मिलते रहे। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है अनुप्रिया अरोड़ा ब्लॉग्स। तो अभी ज्यादा डिले ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। पहली आइटम जो मैंने मंगवाई है वो है नवी ब्रांड का ये कॉम्बो। इसमें काफी सारे कलर्स अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। 595 में दो पीस आपको मिल रहे हैं। ये शॉर्ट कुर्ती है, मतलब अप टू नीज आपको आ जाएगी। इसमें काफी सारे कलर्स है लेकिन मैंने कॉम्बो में ये रेड और जो ग्रे वाला पार्ट है वो मंगवाया है। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये पहने हुए एक तो बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत सॉफ्ट है और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे नहीं लगा था कि प्राइस के हिसाब से इसमें कुछ भी वार्म्थ होने वाली है, लेकिन उस हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब मुझे इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा गर्म है। जैसे कि अभी तो हल्की फुल्की ठंड शुरू हो गई है, तब तो नहीं, मतलब जब थोड़ी ठंड हो जाएगी तब आप इसे कैरी कर सकते हैं। दिसंबर के मौसम में आप इसके ऊपर नीचे थर्मल पहन सकते हैं और उसके बाद इसे कैरी करेंगे तो आपकी ठंड दूर हो जाएगी। और जनवरी में जब ज्यादा ठंड पड़ती है तब आप इसके ऊपर कोई जैकेट या ब्लेजर वगैरह कैरी करेंगे तो भी ये इक्वली मतलब आपकी ठंड रोकने वाला है। मतलब ये फुल सर्दियों में आपको बहुत कंफर्ट देने वाला है। इसमें मुझे सिर्फ एक चीज का डिसअपॉइंटमेंट रहा, मैंने मैरून शेड ऑर्डर किया था और मुझे यहाँ पर रेड शेड मिला है। अदरवाइज इसकी क्वालिटी, डिजाइन, प्रिंट सब कुछ बहुत ज्यादा प्यारा है और काफी स्टाइलिश और दिखने में लगता भी नहीं है कि चीप क्वालिटी का है। इसके अलावा जो दूसरा वाला है उसका डिजाइन मैं दिखा देती हूँ। ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कॉटन का है लेकिन अंदर की तरफ इसमें जैसे थर्मल का होता है ना, बिल्कुल वैसा मटीरियल है। यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं है, मतलब कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सारा प्रिंट वर्क है लेकिन लगता ऐसे है जैसे कि एम्ब्रॉयडरी की गई है। आपको 3/4 स्लीव्स मिलती हैं और काफी कंफर्टेबल है, काफी गर्म है, आराम से आप इसे कैरी कर सकते हैं। घर के काम, बाहर के काम भी आप आराम से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इसे कैरी करके अपने आप को थोड़ा सा गर्म रख सकते हैं, थोड़ा नहीं फिर ज्यादा ही गर्म रख सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा और वर्थ द प्राइस है और आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगी मैं कि आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसमें काफी सारे कलर्स भी हैं तो आप आराम से इसे कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आइटम है वो मंगवाए हैं मैंने ये शूज, ये बूट्स। 499 इसका प्राइस है। वैसे तो प्राइस काफी कॉस्टली था लेकिन डिस्काउंट में मुझे ये 499 का पड़ा है। एंकल लेंथ आपको मिल जाता है, इसमें 2 से 3 इंच की आपको हील मिल जाती है और प्लेटफॉर्म हील है तो पहनने में काफी कंफर्टेबल रहता है। वार्म्थ भी इसमें काफी ज्यादा अच्छी है और पहनकर अगर आप चलते हैं तो काफी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं लगता है कि पैर मुड़ रहा है। अगर आप हील्स कम पहनते हैं तो इसमें आपको ब्लॉक हील्स मिल जाती है जिसमें आप इसे आराम से इसे कैरी कर सकते हैं और काफी कंफर्टेबल है, स्टर्डी है। मतलब क्वालिटी वाइज मुझे ठीक लगा, हल्का सा मुझे हैवी लगा क्योंकि प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा मतलब मुझे हैवी लगे ये शूज, अदरवाइज मुझे काफी स्टाइलिश लगे और काफी अच्छे लग रहे हैं। और विंटर्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो काफी मजा आता है, काफी अच्छा लगता है और अफोर्डेबल रेट में मिल रही है। आई थिंक मुझे याद है कि लास्ट मैंने कहीं सरोजनी से ऐसे जूते खरीदे थे और वो भी कुछ लगभग इसी रेट का मिल रहा था। तो अगर घर पे बैठे बैठे वही रेट मिल रहा है तो मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे आप ड्रेसेस के साथ भी कैरी कर सकते हैं, सूट्स के साथ भी कैरी, मतलब इसे आप जीन्स वगैरह, डेनिम्स वगैरह के साथ भी कैरी कर सकते हैं, स्कर्ट्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। काफी कंफर्टेबल है और आराम से आप इसे कैरी कर सकते हैं। इसमें 3 कलर्स अवेलेबल हैं तो तीनों में से जो भी आपको पसंद आए, मुझे ब्लैक पसंद आया, इसमें ग्रे कलर, आई थिंक ब्राउन कलर भी है, आप वो भी ले सकते हैं। मुझे ब्लैक ज्यादा अच्छा लगा। इसमें वेलवेट फिनिश आपको मिल जाती है और साइड पर हल्की सी चेन डिटेलिंग मिल जाती है और काफी कंफर्टेबल है और थोड़ा 1-2 इंच हाइट को बढ़ा देता है। अगर आप शॉर्ट है मेरी तरह तो डेफिनेटली आपको ये पसंद आने वाला है और आप इसे जरूर बाय कीजिए। नेक्स्ट आइटम जो है वो मैंने मंगवाया है एक पुल ओवर, ये ग्रीन कलर का पुल ओवर है। इसमें काफी सारे कलर्स और भी अवेलेबल थे लेकिन पहने हुए काफी ज्यादा अच्छा और कोई ब्रांडेड जैसे होते हैं वैसे लगता है। 622 रुपीज इसका प्राइस है। काफी वार्म है, मतलब आप इसके नीचे अगर स्वेटर पहनते हैं और उसके ऊपर पुल ओवर पहनते हैं तो काफी स्टाइलिश लगता है। अगर ज्यादा सर्दी है तो आप इस तरीके से भी इसे कैरी कर सकते हैं। अमेजोन का इनबिल्ड ब्रांड था शायद, उसी से मैंने ये मंगवाया। इसमें और भी काफी सारे कलर्स हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे ये काफी ज्यादा बेसिक सा लगा, मतलब बेसिक है और स्टाइलिश भी है साइड बाय साइड। तो अगर आप कुछ ऐसी आइटम देख रहे हैं जो बेसिक हो, ज्यादा तड़क भड़क ना हो और स्टिल स्टाइलिश लगे तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वार्म भी है और इसके साथ साथ स्टाइल भी है। मेरा टेस्ट कुछ ऐसा है, अगर आप
भी मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको डेफिनेटली ये पसंद आने वाला है, क्योंकि वॉर्म्थ भी है, प्राइस भी अफोर्डेबल है और उसके साथ साथ स्टाइलिश भी लगता है। इसे आप स्कर्ट्स के साथ या फिर आप इसे जेगिंग्स के साथ, डेनिम्स के साथ कैसे भी कैरी कर सकते हैं, काफी स्टाइलिश लगता है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने ये स्कर्ट ऑर्डर की थी, मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं मालूम है, तो ये मिनी स्कर्ट है, डेनिम मिनी स्कर्ट, 622 रुपीज या 700 कुछ ऐसे इसका प्राइस था। इसमें व्हाइट कलर भी था, और व्हाइट था, रेड था, और भी काफी सारे कलर्स थे। यहाँ पर साइड पर आपको दो पॉकेट्स मिल जाती हैं जो स्टाइल मारने के लिए काफी ज्यादा अच्छी हैं, और आगे आपको बटन डिटेलिंग मिल जाती है। मिनी स्कर्ट है इसके नीचे। मैंने जो है स्टॉकिंग्स पहनी हुई है, जो वॉर्म स्टॉकिंग्स आती है ना, वो मैंने ऑर्डर की थी। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको प्राइस मिल जाएगा और डिजाइन मिल जाएगा, तो वो इसके साथ पहने हुए काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, वॉर्म भी मिल रही थी, साइड बाय साइड स्टाइलिश भी था। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि अगर आप स्कर्ट्स वगैरह कैरी करते हैं सर्दियों में और उसके साथ अगर आपको कुछ इस तरीके का वॉर्म चाहिए, तो आप इस तरीके की जेगिंग्स को ऑर्डर कीजिए। इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, वॉर्म भी देता है और स्टाइल मारने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब स्टाइलिश भी दिखता है साइड बाय साइड, और अफोर्डेबल भी है। इसके बाद मैंने डेनिम जैकेट ऑर्डर की है, जो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, काफी अफोर्डेबल रेट में मुझे मिल गई थी। इसमें मैंने दो कलर्स ऑर्डर किए थे, एक तो बेसिक जो हमारे पास ब्लू कलर की डेनिम्स होती हैं बिल्कुल वही मैंने ऑर्डर किया, और एक मैंने व्हाइट कलर में यहाँ पर ऑर्डर की है। व्हाइट वाली थोड़ी स्टाइलिश है, यहाँ पर आपको स्टड्स देखने को मिल रहे होंगे, और क्वालिटी वाइज भी मतलब ठीक ठाक है, जिस हिसाब से हम प्राइस पे कर रहे हैं उस हिसाब से इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। साइज भी काफी सारे अवेलेबल है और कलर्स भी इनमें काफी सारे अवेलेबल हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कलर मंगवा सकते हैं, और स्टाइलिश भी है, अफोर्डेबल भी है। लेकिन यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि जो डेनिम जैकेट्स होती है वो बहुत ज्यादा वॉर्म नहीं होती है, वो जस्ट स्टाइलिश दिखने के लिए आप उसे कैरी कर सकते हैं, या फिर आप पुल ओवर्स के ऊपर भी इन्हें कैरी कर सकते हैं। मतलब जब बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती तब डेनिम जैकेट्स एकदम परफेक्ट लगती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इस तरीके से मतलब स्टाइल करना कपड़ों को अच्छा लगता है, तो ये डेफिनेटली चीजें आपके पास होनी चाहिए, और आपको काफी कंफर्टेबल भी लगेगा, और अभी आने वाले मौसम के लिए जो ना ज्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है, उनमें आप इन्हें कैरी कर सकते हैं। और इनमें से कुछ आइटम ऐसे हैं जो आगे सर्दियों में भी आपके जब पूरी ठंड होती है तब भी आप इनमें से कुछ कैरी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये था मेरा हॉल, काफी अफोर्डेबल रेट्स पे मैंने किया है और आपको स्टाइलिश भी दिखाने की पूरी पूरी कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर दीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बिहाइंड द सीन देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी अनुप्रिया अरोड़ा ब्लॉग्स। तो मिलती है फिर आपसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे, बाय।